नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SCS क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो एड क्या पूछा जा रहा है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? कौन सा कप? एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो अभी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नौकायन से। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था? तब वह कौन सा राष्ट्रपति हो जाएगा? तब ये हो जाएंगे एन संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आविष्कार अभियंता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, कौन अर्थशास्त्री हैं? तब ये कौन अर्थशास्त्री हैं? तब ये हो जाएंगे प्रो जे के मेहता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा और कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तब वह कौन सी नदी है? तब वह है आपकी सोन नदी। सोन नदी यह दूसरी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तब ये कब नहीं हो पाती है? तब ये नहीं हो पाती है हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर। हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन कम होने पर? 15%। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए हमें इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मांगी थी? क्या चीज़? फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तब वे कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तब वे कौन थे? वे थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगले प्रश्न में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 8 में कि किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तब ये होती है नीले प्रकाश में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना कि जो हरिप्रसाद चौरसिया थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा बधाई कौन सी विद्या है? जो बधाई है वह कौन सी विद्या है? तब यह विद्या है बुंदेलखंड का लोकगीत, लोक संगीत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? तब यह किसका कथन है? तब यह कथन है JB से का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि माई कंट्री माई लव किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने किसकी पुस्तक है? तब ये किसकी पुस्तक है? तब ये पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की। माई कंट्री माई लव पुस्तक किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तब वह कौन थी? तब वह थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? तब ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, भादिया और आदि और जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तब इनका क्या अर्थ है? तब इनका क्या अर्थ होगा? धन्यवाद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपका कोई किसी भी तरह का सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जो हाजी पीर की लड़ाई थी वह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो वह किस वर्ष लड़ी गई थी? वह लड़ाई लड़ी गई थी 1965 में। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो अब नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे वे एक बौद्ध दार्शनिक थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो कि वह अनपढ़ था? तो वह कौन सा मुगल सम्राट था? तब वह था अकबर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान, क्या चीज़ राष्ट्रगान बदल दिया है? तब ये किसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तब ये बदल दिया नेपाल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी के पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है मेरठ में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो कांच के गिलास एक दूसरे से ब्रैकेट एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तब उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगर दो गिलास आपस में चिपक जाते हैं अंदर से, तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? गर्म पानी डाल करके। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि थॉमस मोरो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस मोरो था, थॉमस मोरो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तब ये किस किले में मिला था? तब ये मिला था अजमेर के किले में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? तब यह संबंध है अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? वह कौन सी नदी है? सोन नदी ऐसी है जो यमुना से नहीं मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? अर्थात जो गंडक सिंचाई परियोजना है, किन दो राज्यों के बीच से उसमें सिंचाई का साधन के माध्यम के रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तब वह कौन सा है? तब वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तब किसने की थी? तब ये की थी शेर शाह ने। भूमि मापन की व्यवस्था किसने की थी? शेर शाह ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो शहद है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तब इसका कैवल्य का अर्थ क्या होगा? तब इसका होगा इच्छा पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन शब्द का जनक कौन था या कौन है? तब ये कौन है? तब इसके कौन है? काशी मीर फंग, शॉर्टकट में इन्हें क्या कहेंगे? फंग। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तब किसने आलोचना की थी? तब ये आलोचना की थी बदायूं ने।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है या अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तब यह कहाँ पर है? तब यह स्थित है हम्पी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तब किस चोल शासक ने करवाया था? तब यह निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तब वह कौन सा था? तब वह था भिलस्वामनी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तब वह किस गुप्त शासक से संबंधित है? तब किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तब यह किस राज्य में किया गया है? तब किस राज्य में किया गया? तब यह किया गया ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तब यह कहाँ से की गई थी? तब यह की गई थी युगांडा से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। किसी भी उदासीन बिलियन के पीएच का मान होगा? किसी भी उदासीन पीएच का मान कितना होता है? तब यह होता है 7 अर्थात 7। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। एक क्रिएटर को तभी उसे मोटिवेशन मिलता है जब कोई चैनल सब्सक्राइब या वीडियो को शेयर या लाइक करते हैं, और तभी वह आगे बढ़ पाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इसी के साथ इस क्लास को समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।